दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने आ रहा हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि आपके फेवरेट हैंडसम दो सुपर स्टार, हाँ दोस्तों, जो बहुत हैंडसम है, जो बहुत गुड लुकिंग है, जो बहुत 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 डैशिंग है, हाँ दोस्तों, उन्हें ऑफर हुआ है क्या? वही आपका फेवरेट शो, जिसे देखने के लिए आप सब सारे काम छोड़ देते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, जिसे देखने के लिए आप बेकरार रहते हैं दोस्तों। जो शो, जिसका शो पिछले साल काफ़ी 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 फेमस रहा दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं? आपका वही शो, हाँ दोस्तों, मैं आपके उसी शो की बात कर रहा हूँ। उसमें नहीं जाना चाहते आपके पसंदीदा अभिनेता, हाँ दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे, अरे ऐसा कैसे, जिस शो को हम इतना देखना पसंद करते हैं उसमें हमारे फेवरेट अभिनेता क्यों नहीं जाना चाहते? दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। आपके हैंडसम डैशिंग जैन इमाम, हाँ दोस्तों, और आपके दूसरे हैंडसम डैशिंग स्टार पल्लवी पुरी, हाँ दोस्तों, तो आपके दूसरे फेवरेट स्टार पल्लवी पुरी, हाँ दोस्तों, इन्होंने जाने से मना कर दिया आपके फेवरेट शो में। हाँ दोस्तों, जिन पर आप सोच रहे होंगे, जैन इमाम, जिन्होंने नामकरण जैसा सुपर शो दिया, फिर उसके बाद वो खतरों के खिलाड़ी में भी गए, फिर भी वो बिग बॉस में नहीं जाना चाहते, ऐसा क्यों है? इसकी एक बहुत 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 बड़ी वजह है दोस्तों, जो हम आपको बताएंगे। और आपके दूसरे सुपरस्टार दोस्तों पल्लवी पुरी, जिन्हें आपने बहुत बड़े 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 शोज़ में देखा है, जिन्हें आपने नागिन में देखा, और उसके बाद दोस्तों उन्हें आपने खतरा 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 में भी देखा दोस्तों, फिर भी वो नहीं जाना चाहते हैं बिग बॉस में, ऐसी क्या वजह है दोस्तों, ऐसी क्या वजह है? हाँ दोस्तों, तब हमने जैन इमाम से बात की और पल्लवी पुरी से बात की दोस्तों, तो पल्लवी पुरी ने कहा कि बिग बॉस में जाने की मेरी वजह ये है दोस्तों, कि मैं बिग बॉस में नहीं जाना चाहता, कि बिग बॉस में पहली बार तो मैं अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकता, फैमिली इज़ माय प्रायोरिटी। हाँ दोस्तों, पल्लवी पुरी ने ये कहा कि फैमिली उनकी प्रायोरिटी है, और वो अपनी फैमिली के बिना नहीं 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 रह सकते दोस्तों। उन्होंने कहा कि फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और आप सब चीज़ें अपनी फैमिली के लिए करते हो, और जब आप फैमिली वालों से ही बात ना कर पाओ, उनसे मिल ना पाओ, तो ऐसा फेमस होने का क्या फ़ायदा, या ऐसे शो में जाने का क्या फ़ायदा जहाँ पर से आप अपने फैमिली की भी खोज खबर नहीं ले पाओ? तो दोस्तों, मोटी रकम उन्हें उनकी मोटी रकम देने के बावजूद भी दोस्तों वो नहीं जा रहे हैं बिग बॉस में आपके पल्लवी पुरी। और दोस्तों, जय इनकी पल्लवी पुरी नहीं जा रहे हैं दोस्तों बिग बॉस में, इसकी एक दूसरी वजह भी है दोस्तों, वो भी मैं आपको जल्द ही बताऊंगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, मेरे नेटवर्क में कुछ एरर आ गई थी दोस्तों, इसलिए मेरी आवाज़ फंबल हो रही थी, मैं आपको जल्द ही बताऊंगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, और जैन इमाम, जो बहुत हैंडसम है, जो बहुत डैशिंग है, वो भी बिग बॉस में नहीं जाना चाहते दोस्तों, उनकी भी एक बहुत बड़ी वजह है दोस्तों। उनकी वजह यही है दोस्तों कि उन्होंने कहा कि वो बिग बॉस में बिल्कुल नहीं जाना चाहते, क्योंकि दोस्तों बिग बॉस में जाने पर उन्हें नहीं मिल पाएगी उनकी फैमिली, हाँ दोस्तों, वो भी अपनी फैमिली के बिना बिग बॉस में नहीं रह पाएंगे दोस्तों। हाँ, यही उनकी पहली वजह है। और जैन इमाम की दूसरी वजह ये है दोस्तों कि वो बिग बॉस में नहीं जा पाएंगे दोस्तों, उनकी दूसरी वजह ये है
दोस्तों तो आप लोगों को पता है कि जैन इमाम बिग बॉस में क्यों नहीं जा रहे हैं। उनकी दूसरी वजह, स्पेशल वजह ये है दोस्तों, उन्होंने कहा कि वो अपनी पर्सनल लाइफ लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते। हाँ दोस्तों, वो अपनी पर्सनल लाइफ लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा बिग बॉस में जाने का मतलब है कि बिग बॉस के हिसाब से उठो, बिग बॉस के हिसाब से सो, बिग बॉस के हिसाब से खाओ, बिग बॉस के हिसाब से पियो, और सबसे बड़ी बात, जो लोग आप जिन लोगों को जानते भी नहीं, ऐसे 15-20 लोगों के साथ रहो। हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि जैन इमाम एक प्राइवेट पर्सन हैं, वो इतने लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ शेयर नहीं कर सकते, इसलिए वो अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को प्रोफेशनल ही रखना चाहते हैं दोस्तों। इसलिए जैन इमाम ने कहा कि वो एक पर्सनल लाइफ वाले पर्सन हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत खुश हैं। बिग बॉस में जाने का मतलब है कि इतने लोगों के साथ एक शेयरेबल पर्सन होना, जो इतने लोगों के साथ अपना कंफर्ट जोन छोड़कर रह सकता हो, यानी कि अपना कंफर्ट जोन छोड़कर रहना पड़े तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते दोस्तों। इसलिए बहुत मोटी रकम मिलने के बाद भी बिग बॉस में जाने से मना कर दिया जैन इमाम ने। हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि वो एक पर्सनल लाइफ वाले पर्सन हैं, इसलिए वो बिग बॉस में नहीं जाना चाहते। और दोस्तों, आपके फेवरेट जो बहुत हैंडसम है, बहुत डैशिंग है, बहुत गुड लुकिंग है, पर्ल वी पुरी, उन्हें भी आपने, जिन्हें नागिन में देखा था दोस्तों और भी कई सीरियल्स में देखा है, उन्होंने भी बिग बॉस में जाने से मना कर दिया दोस्तों। हाँ दोस्तों, उन्होंने भी बिग बॉस में जाने से मना कर दिया। उन्हें भी हुआ था बिग बॉस के मेकर की तरफ से बिग बॉस ऑफर, और दी थी उन्हें भी बहुत 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 मोटी रकम, पर उन्होंने भी दोस्तों बिग बॉस में जाने से मना कर दिया। हाँ दोस्तों, जैसे आप लोग सोचते हैं कि बिग बॉस में जाने का इतना अच्छा मौका कौन छोड़ सकता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, बिग बॉस एक बहुत अच्छा मंच है, बहुत अच्छा शो है, फिर भी लोग उसमें क्यों नहीं जाना चाहते। पर कुछ स्टार्स ऐसे हैं दोस्तों जो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखते हैं, और अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ के साथ शेयर नहीं करना चाहते दोस्तों। जैसे हमने आपको बताया कि जैन इमाम अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखना चाहते हैं, वैसे ही ये एक्टर हैं दोस्तों पर्ल वी पुरी, ये भी अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखना चाहते हैं। इन्हें भी हुआ था दोस्तों बिग बॉस ऑफर, पर इन्होंने भी एक बहुत मोटी रकम मिलने के बावजूद, हाँ दोस्तों, लाखों करोड़ों का ऑफर मिलने के बावजूद भी इन्होंने बिग बॉस में जाने का ऑफर ठुकरा दिया दोस्तों। हाँ दोस्तों, क्योंकि ये लोग अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना चाहते हैं, और ये अपने पर्सनल लाइफ में काफ़ी 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 ज़्यादा खुश हैं दोस्तों, और ये लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते, ये अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं दोस्तों। इसलिए ये दो स्टार्स हैं दोस्तों, जैन इमाम, जो एक बहुत मोटी रकम मिलने के बावजूद भी जिन्होंने बिग बॉस में जाने से मना कर दिया। दूसरे हैं दोस्तों पर्ल वी पुरी, जिन्हें आपने नागिन में, खतरा 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 में, और भी न जाने कितने बड़े शोज में देखा है दोस्तों। उन्होंने भी एक बहुत मोटी रकम, यानी कि लाखों करोड़ों का ऑफर मिलने के बावजूद भी बिग बॉस में जाने से मना कर दिया दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो ये सितारे हैं जो बिग बॉस में नहीं जाना चाहते हैं। हाँ दोस्तों, एक बहुत मोटी रकम मिलने के बावजूद भी, लाखों करोड़ों रुपए मिलने के बावजूद भी, ये अपने पर्सनल लाइफ से दोस्तों पर्सनल लाइफ के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपके ऐसे सितारों की खबरें जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आता रहूं और आप लोगों को आपके सितारों की कि किसकी लाइफ में लिंकअप हो रहा है, किसकी लाइफ में ब्रेकअप हो रहा है, कौन बीवी करना चाहता है, कौन बीवी नहीं करना चाहता दोस्तों, मैं आपके सारे सितारों की सारी नई पुरानी अच्छी ताज़ा खबरें और रियल बिल्कुल सच्ची खबरें आप लोगों को बताता रहूं। तो लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट इट।
दोस्तों, देखते रहो अपने भाई का चैनल। तब तक बाय।